नमस्कार, न्यूज वर्ल्ड इंडिया देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ सृष्टि राय। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं इस वक्त की बड़ी खबरों के साथ, जहां बच्चों से भरी स्कूली वैन अनियंत्रित होकर खाई में घुस गई और बड़ा हादसा टल गया। सड़क किनारे खाई में भरे पानी होने की वजह से उसमें स्कूल वैन जाकर के घुस गई। ग्रामीणों ने वैन में सवार करीब 12 बच्चों को पानी से बाहर सुरक्षित निकाल लिया। वहीं बताया जा रहा है कि वैन में सवार स्कूली बच्चे सब सुरक्षित हैं। इस वक्त बच्चों को दूसरे वाहन से उनके घर भेजा गया। वहीं स्कूल में छुट्टी के बाद संडिला से बेहदर बच्चों को लेकर जा रही थी वैन, जिस वक्त ये हादसे का शिकार हो गई। बता दें कि भीम आर्मी ने कलेक्टर कार्यालय में प्रदर्शन किया है। धीरेन्द्र शास्त्री के खिलाफ मुकदमा दर्ज करने की मांग की गई है। जहां झांसी में आज भीम आर्मी ने बागेश्वर धाम के धीरेन्द्र शास्त्री के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। भारी संख्या में कलेक्ट्रेट कार्यालय पहुंची भीम आर्मी ने धीरेन्द्र शास्त्री के खिलाफ जमकर नारेबाजी करते हुए डीएम को ज्ञापन सौंपा है। भीम आर्मी के जिलाध्यक्ष मुनी आजाद शाखिया ने बताया कि बागेश्वर धाम के धीरेन्द्र शास्त्री द्वारा 2 सितंबर को राजस्थान के सीकर जिले में भरे मंच से वंशकार समाज को अपमानित किया गया था, जिससे संपूर्ण वंशकार समाज सहित बहुजन समाज में रोष व्याप्त है। वही आपको बता दें कि भीम आर्मी इसका कड़ी शब्दों में विरोध कर रही है। इसके साथ ही भीम आर्मी ने डीएम को एक ज्ञापन भी सौंपा है, जिसके माध्यम से बागेश्वर धाम के धीरेन्द्र शास्त्री के खिलाफ उचित धाराओं में मुकदमा दर्ज कर कानूनी कार्रवाई किए जाने की मांग की गई है। देखिए, अभी हाल ही में जो बागेश्वर धाम के बाबा हैं धीरेन्द्र शास्त्री, उन्होंने एक भरे मंच पर जो है एक बसोर समाज का जो है अपमान किया है, और इससे जो है बसोर समाज के साथ साथ हमारी भीम आर्मी बहुत आहत है और पूरा बहुजन समाज बहुत आहत है, और उसी के लिए आज हम यहाँ आए हैं कि उन पर जो है कानूनी रूप से उचित धाराओं में SC ST और भी जो अन्य धाराएं हैं उसमें जो है सख्ती से कानूनी कार्रवाई करती है, उनको जेल भेजने का काम सरकार करे। थोड़ा सा विस्तार से बताइए क्या कहा और कब कहा। देखिए, एक वीडियो वायरल हुआ है और उसमें उन्होंने ये कहा है कि उसमें जो सामने जो लड़का बैठा हुआ था वो उनकी पुल खोलने गया हुआ था। जब धीरेन्द्र शास्त्री से उनकी वार्तालाप हुई तो उस लड़के ने बोला कि मैं भी ब्राह्मण हूँ। तो धीरेन्द्र शास्त्री ने बोला है कि आप ब्राह्मण हो तो मैं थोड़ी ना, मैं भी तो ब्राह्मण हूँ, मैं कौन बसोर हूँ। तो ये उनकी मानसिकता दर्शाती है कि वो बसोर समाज को कितना नीचा मानते हैं। ये कब कहा गया? ये दो 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 सितंबर को सीकर में ये कहा गया। रास्ता गुजरात के गृह मंत्री हर्ष सांघवी के द्वारा 108 पाकिस्तानी हिंदू व्यक्तियों को भारतीय प्रमाण पत्र प्रदान किया गया और भारतीय नागरिकता दी गई। इसके साथ ही भारतीय नागरिकता प्रमाण पत्र प्रदान किए गए। 108 परिवारों के घरों में दिवाली जैसा माहौल मनाया जा रहा है। इसी के साथ ही प्रधानमंत्री के प्रयासों से शरणार्थियों को शीघ्र नागरिकता मिलना संभव हुआ। अहमदाबाद जिला प्रशासन द्वारा अहमदाबाद में भारतीय नागरिकता का आयोजन किया गया। वही प्रमाण पत्र प्रदान करने वाले शिविर में पाकिस्तान से आकर अहमदाबाद रहने वाले 108 व्यक्तियों को गृह राज्य मंत्री हर्ष सांघवी द्वारा भारतीय नागरिकता प्रमाण पत्र प्रदान किया गया। उत्तर प्रदेश किसान कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष शिव नारायण सिंह परिहार के नेतृत्व में आज जनपद झांसी ब्लॉक बंगरा के गांव पाठगुवा में किसानों की ज्वलंत समस्याओं को लेकर विशाल किसान पंचायत हुई। इस दौरान पंचायत में प्रमुख रूप से गांव पाठगुवा स्थित सुखनई नदी पर कई वर्षों पूर्व बनाया गया रिप्टा इस वर्ष की पहली बारिश होने के चलते बह गया था। वही आपको बता दें कि पुल निर्माण कराए जाने के 2023 बर्बाद खरीफ फसल का प्लांट टू प्लांट सर्वे कराकर किसानों को मुआवजा बीमा क्लेम दिलाए जाने की मांग की गई। इसके साथ ही गांव में फूके हुए छोटे छोटे 3 ट्रांसफार्मर को बदलवाए जाने को लेकर के भी आज सैकड़ों किसानों ने पंचायत में जोरदार प्रदर्शन किया। ब्लॉक बंगरा का ये गांव पाठगुवा है जो अपनी किस्मत पर आंसू बहा रहा है। लगभग 3000 की आबादी है इस गांव की, जहां पर लगभग 6 माह इस बारिश में यहां पर एक बना हुआ पुल था जो टूट कर बह गया बारिश के चलते, और 3 महीने लगभग हो गए आज तक उस पुल का निर्माण नहीं हुआ। तो आज यहाँ पटगुआ में पंचायत हुई है, किसानों की पीड़ा वेदना सुनी गई है। तो ग्रामीण कह रहे हैं कि इस पुल का अविलंब निर्माण कराया जाए वरना संबंधित विभाग का घेराव किया जाएगा। दूसरी सबसे बड़ी समस्या है कि सूखा और बेमौसम बारिश के चलते
यहाँ किसानों की खरीफ फसल नष्ट हो गई, जिसमें तिली उर्द मूंग मूंगफली की फसल बोई गई थी। किसानों की लागत मेहनत सब डूब गई, किसान हताश है, निराश है। सिकंदरा राव में तेज रफ्तार कार और दो बाइक सवार में टक्कर हो गई। वही बता जरा कि कार की टक्कर से बाइक सवार दो युवकों की मौके पर ही दर्दनाक मौत हो गई है। मौके पर पहुंचे परिजनों का रो रो कर बुरा हाल है। वही सिकंदरा राव के रहने वाले देवकी नंदन और रिंकू अपनी बाइक से जा रहे थे एटा राजमार्ग पर, उसी दौरान ये हादसा हो गया। वही सड़क हादसे के घटना स्थल पर एकत्रित हुए लोगों ने मौके पर पुलिस को बुलाई। वहीं पुलिस ने मृतक दोनों युवक के शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा। इंटर कॉलेज तालाब में तब्दील हो गया। जी हां, बेहिसाब बारिश से जलमग्न हुआ कॉलेज। बताया जा रहा है कि 3 फीट जल भराव से शिक्षा कार्य को पूरी तरह से बंद कर दिया गया है। विद्यालय अभिलेख और किताबें पूरी तरह से पानी में डूब गई है। जल निकासी की व्यवस्था ना होने की वजह से ये पूरा मामला सामने आया है। वही पंडित दीनदयाल राजकीय मॉडल इंटर कॉलेज का ये पूरा मामला बताया जा रहा है। एक्सिस बैंक में लुटेरों ने गोली मार दी। जी हां, लुटेरों ने गार्ड और कैशियर समेत 3 को गोली मारकर मौत के घाट उतार दिया। बताया जा रहा है कि कैश वैन लूट के लिए आए बदमाशों ने गोली मारी है। वही रुपए से भरा बॉक्स लेकर बदमाश मौके से फरार हो गए। 22 लाख के लगभग बताया जा रहा है ये पूरा कैश था। 2 वर्ष पहले भी 50 लाख लेकर ये बदमाश भागे थे। बताया जा रहा है कटरा के बेलतर बदली कटरा का एक्सिस बैंक का ये पूरा मामला सामने आया है। बदायूं जिले के थाना अलापुर क्षेत्र के साईराम ईट उद्योग से पहले मदनपाल सिंह के ट्यूबवेल के पास एक व्यक्ति मधुमक्खी पालने का काम करता था। ये चिड़िया उसकी मधुमक्खी को खा लेती थी, जिसकी वजह से कई बार वो इन्हें जहर देकर मारने की बात कहता था। आज सभी चिड़ियों को उसने जहर डाल दिया, जिसमें लगभग 70 चिड़ियों की मौत हो गई और 5 जिंदा मिली है। बताया जा रहा है कि जिंदा चिड़ियों का इलाज चल रहा है, जिसकी सूचना पर पहुंची आलापुर थाना पुलिस ने जांच शुरू कर दी है। वही इधर पशु प्रेमी विकेंद्र शर्मा ने बताया है कि मृत चिड़ियों का RBI में पोस्टमार्टम किया जाएगा। इसके बाद संबंध में मधुमक्खी पालक के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया है। मैं पशु प्रेमी विकेंद्र शर्मा। आज सुबह एक घटना की जानकारी हुई, जिसमें बहुत सारी चिड़ियां मृत अवस्था में खेत में पाई गई। वो फोटोज और वीडियोज मेरे पास आए, उसके बाद और जानकारी के बाद पता चला कि वहां पर एक व्यक्ति जो है वो मधुमक्खी पालन करता है और ये चिड़ियां जो है वो मधुमक्खियों को खा जाती हैं। इससे वो बहुत परेशान हुआ। सुनने में आया था कि उसने एक दो बार पहले भी बोला था, चिड़िया मारने की कोशिश की थी, कई बार बोल भी चुका था कि मैं इन चिड़ियों को जहर देकर मार दूंगा। और आज वही घटना घटित हुई, बहुत सारी चिड़ियाँ खेत में पाई गई मृत। 70 चिड़ियाँ वहाँ से बरामद की गई और लगभग 5 जीवित थीं। सूचना मिलते ही मैंने वन विभाग को सूचित किया, जिससे रेंजर अमित जी वहाँ मौके पर पहुँचे अपने कर्मचारियों के साथ और चिड़ियों को उठाकर वो अपने साथ लेकर आ गए। थाने में तहरीर दी गई है अमित जी द्वारा, मुकदमा पंजीकृत किया जा रहा है। अग्रिम कार्रवाई मुकदमे के बाद ही की जाएगी, उनका पोस्टमार्टम भी IBRI बरेली में किया जाएगा और जो दोषी हैं उनके प्रति मैं सरकार से निवेदन करूंगा या प्रशासन से कि कठोर कार्रवाई की जानी चाहिए। क्योंकि आज के टाइम में जो है पक्षी किसी के दुश्मन नहीं है, लेकिन उसने अपने स्वार्थ वश पक्षियों को मारा है, ये बहुत ही गलत किया, क्रूरता की सारी हदें पार कर दी हैं इस मामले में। संभल जिले के बहजोई थाना इलाके में बच्चों के बीच विवाद में जमकर पथराव और मारपीट हुई, जिसमें 4 लोगों को चोटें आई है। पथराव का वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है। इसके साथ ही पथराव और मारपीट से इलाके में दहशत का माहौल है। वहीं सूचना पर पहुंचे पुलिस ने इस मामले में बड़ी कार्रवाई करते हुए 7 लोगों को गिरफ्तार कर लिया है। इसके साथ ही पुलिस ने सभी के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया है। वहीं फरार आरोपियों की गिरफ्तारी की दबिश दी जा रही है। इसके साथ ही पुलिस ने इस मामले में 13 लोगों के खिलाफ नामजद FIR दर्ज किया है। कल दिनांक 11 सितंबर 2023 की रात को थाना बैजूई पुलिस को सूचना मिली कि एक ही समुदाय के 2 पक्षों के बीच मारपीट हो गई है, जिसमें सूचना पर तत्काल संज्ञान लेते हुए पुलिस द्वारा मौके पर पहुंचकर विवाद को शांत कराया गया। इस संबंध में सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत कर लिया गया है तथा 7 लोगों को गिरफ्तार कर लिया गया है। मौके पर पूर्ण शांति व्यवस्था कायम है तथा अग्रिम विधिक कार्रवाई प्रचलित है।
कुड़की से 7 किलोमीटर दूर विश्व परिषद दरगाह पिरान कलियार सहित कई दरगाहों को दरगाह प्रशासन द्वारा देखरेख की जाती है, जिसमें कार मोटरसाइकिल की पार्किंग सहित प्रसाद के भी बड़े महंगे ठेके छोड़े जाते हैं। पर पिछले काफी दिनों से दरगाह प्रबंधन की लापरवाही के चलते ये ठेके नहीं छोड़े गए, बल्कि उक्त लोगों को प्रतिदिन के हिसाब से वसूली की जा रही है। वहीं उस ठेकेदार ने मीडिया के समक्ष ये शिकायत रखी, जिसने कई दिनों पहले से दरगाह प्रबंधन को अपनी कोटेशन दी हुई थी। इसी के साथ ही बड़ा सवाल ये उठता है कि जो प्रसाद का पहला ठेका छोड़ा गया था वो 1,77,00,000 रुपए का था, और जो फिलहाल डेली वेज के रूप में प्रसाद के दुकानदारों से रकम वसूली जा रही है, वो भी लगभग 77,000 रुपए के हिसाब से ही वसूले जा रहे हैं। जबकि अगर नए ठेकेदार को ये कॉन्ट्रैक्ट दिया जाता है तो ठेकेदार के मुताबिक उसने 2,786,000 रुपए अपनी कोटेशन में भरे हुए हैं। यानी अगर नए ठेकेदार को सिर्फ प्रसाद का ही ठेका दिया जाता है तो दरगाह प्रबंधन को 23,00,000 का मुनाफा हो सकता है। पर दरगाह प्रबंधन इस मामले में अपनी मनमर्जी करते हुए खामोश बना हुआ है। वही दरगाह प्रबंधन रजिया भी कैमरे के सामने कुछ भी बोलने से बचती हुई नजर आ रही है। अब सवाल ये उठता हुआ नजर आ रहा है कि आखिरकार दरगाह प्रबंधक 23,00,000 से ज्यादा में ठेका क्यों नहीं छोड़ना चाहती है, और प्रतिदिन वसूली करने से दरगाह प्रबंधन को क्या फायदा हो रहा है। इन सभी सवालों का जवाब अभी फिलहाल कोई भी देने को तैयार नहीं है। के लंबर जो प्रसाद बिक्री का ठेका है, लंबर दुकान नंबर 1, उसका जो पहले से ही 1,76,00,000 रुपए का ठेका चल रहा था, जब इसका दोबारा टेंडर निकला, तिबारा टेंडर निकला, तो इसकी 1,93,00,000 की कहा कि 1,93,00,000 से ऊपर बोली दे, तो ये फिर दोबारा जो है 30 तारीख तक का इसका टाइम था, 30 तारीख को इसके ये टेंडर डाल दिया गया। अभी तक ये टेंडर खुले नहीं है, 13 दिन हो गए, कोई भी टेंडर खोलने के लिए तैयार नहीं है। सीओ साहब को कह रहे, सीओ साहब से इसमें साइन करने के लिए तैयार नहीं है, और ये 2,786,000 का टेंडर डला हुआ है और इनकी मांग थी 1,93,00,000, और ये 2,786,000 का टेंडर डला हुआ है, इसमें 3 टेंडर डले हुए हैं, जिसका ज्यादा हो उसको टेंडर को खोलकर दिया जाए। श्रीनगर गढ़वाल के ढिकाल गांव में आतंक बढ़ा रहा आदमखोर गुलदार मारा गया, जिसके बाद लोगों ने राहत की सांस ले ली है। 5 सितंबर को श्रीनगर के ढिकाल गांव में आंगन में खेल रही 4 साल की आयशा को अपना निवाला बनाया था। घटना के बाद लोगों में आक्रोश देखा जा रहा था। लोगों के आक्रोश को देखते हुए वन विभाग के अधिकारियों पर गुलदार को पकड़ने का खासा दबाव था। वन विभाग की टीम क्षेत्र में लगातार गश्त कर रही थी, जिसके बाद वन विभाग द्वारा गुलदार को पकड़े जाने की खबर सामने आई। वही DFO गढ़वाल स्वलिप्न अनुरोध ने बताया कि गश्त कर रही टीम पर गुलदार ने आक्रमण किया, जिसके बाद हवाई फायर की गई, जिसमें गुलदार की मृत्यु हो गई। दिनांक 5 को ढिकवाल गांव में एक बालिका के ऊपर गुलदार ने अटैक किया था, जिसमें बालिका की मौत हो गई थी। उसी क्रम में मुख्य वन्य जीव प्रतिपालक द्वारा आदेशित किया गया था कि गुलदार को पिंजरा लगाकर पकड़ा जाए, ट्रैंकुलाइज किया जाए या अंतिम दशा में उसको नष्ट किया जाए। कल 11 तारीख को जब टीम ढिकवाल गांव में गश्त कर रही थी, तो बगल ही गांव में ग्राम तरोली में गुलदार की सूचना मिलने पर टीम वहां पहुंची। टीम जब वहां पहुंची तो गुलदार ने टीम पर हमला करने की कोशिश की। टीम द्वारा बताया गया कि हमला करने के दौरान टीम ने हवाई फायर की, जिसमें गुलदार की मौत हो गई। अग्रेतर कार्रवाई हेतु उप प्रभागीय वनाधिकारी एवं 2 वन क्षेत्र अधिकारियों की टीम गठित की गई है, जिन्हें अंतिम जांच हेतु निर्देशित कर दिया गया है। इस बुलेटिन में फिलहाल के लिए बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी और अहम खबरों के लिए देखते रहिए न्यूज़ वर्ल्ड इंडिया।